अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज मैं आपको एक नई अपडेट देने जा रहा हूँ बीपीएससी के हवाले से। कुछ दिन पहले रिजल्ट आया कनाल पटवारी का, तकरीबन 11 जनवरी को, 2 से 3 दिन पहले। तो जो पहले रिजल्ट अपलोड किया था बीपीएससी ने, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर उन्होंने प्रोफिशिएंसी टेस्ट रखा था, लेकिन उससे उसी दिन शाम को उन्होंने दोबारा उसको अपडेट किया और दोबारा रिजल्ट के अंदर उन्होंने कहा कि अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट खत्म कर दिया गया और अब सिर्फ जो कॉल आएगी या मैसेज आएगा वो आएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो जो मैंने जैसे रिजल्ट आया तो मेरा चैनल पे फॉरन वीडियो अपलोड होती है, कोई भी पीपीएससी या किसी भी जॉब के रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो। लेकिन उस दिन मैंने अपनाई तो उसके बाद फौरन शाम के टाइम ही उन्होंने कर दिया, प्रोफिशिएंसी टेस्ट खत्म कर दिया और उन्होंने दोबारा सिर्फ टाइपिंग का टेस्ट ही रखा। तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है कि टाइपिंग टेस्ट जो है और प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो खत्म हो गया है, मेरे चैनल पर वो भी वीडियो पड़ी है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सबको मुबारक देना कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट खत्म हो गया और अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो टाइपिंग टेस्ट है। तो उसके लिए आप मेहनत करें जी जान लगाकर, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया है और वो आगे एक पटवारी बनना चाह रहे हैं, एक अच्छी फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो, या एस्पायरेंट के लिए कि वो अपना करियर शुरू कर सके और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सके अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो जी जान लगाकर तैयारी करें टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो मैं फिर से बताता चलूँ कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट अब ख़त्म कर दिया गया है। तो अब सिर्फ आपने क्या करना है, आपने सिर्फ टाइपिंग टेस्ट ही करनी है। और टाइपिंग कितनी है ये, 40 वर्ड्स पर मिनट आपने करनी है। तो आपने टाइपिंग के दौरान जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी मैक्सिमम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो आपकी स्पीड भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। सो थैंक यू। इसी तरह के मजेदार अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।